आज की कहानी है। ननन जी खुद की कमियां जाननी है तो शादी कर लो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ओ भाभी ये कैसे रंग की साड़ी पहन ली आपने, बिल्कुल गवारू लग रही हो। भला ऑफिस की पार्टी में कोई ऐसे सटंग रंग पहनता है? मेरे भाई की नाक कटवा देगी आप तो। हाँ बहू रिया ठीक बोल रही हैं। अरे वक्त और जगह के हिसाब से कैसे तैयार होना चाहिए? अगर तुम्हें पता नहीं है तो अपनी ननन से सीख लो। सास वंदना जी ने भी बेटी की बात का समर्थन करते हुए कहा। नैना हतप्रभ सी अपनी कुंवारी ननन और सास का मुंह देखने लगी, जो कल तो हल्का रंग पहनने पर उससे लंबा सोड़ा भाषण दे रही थी और आज जब वो अपनी पसंद को दरकिनार कर उनकी हिसाब से तैयार हुई तो उन्हें आज भी नैना ही गवार लग रही थी। लेकिन उनसे बहस करने का मतलब था घर में तमाशा फैलाना। नैना की एक छोटी सी बात को सबके सामने इतना मसाला डालकर परोसा जाता था कि सबको बदहजमी हो जाती थी। नैना ने जाकर अलमारी खोली लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या पहने। मायके में सबको बताने वाली कि माँ के ऊपर कौन सा रंग जस्ता है, पापा के ससमे का फ्रेम कैसा होना चाहिए, भाई का हेयर स्टाइल सही है या नहीं। वह लड़की आज ससुराल में आकर जैसे पहने ओढ़ने का सलीका भी भूल गई थी या फिर उसके हर काम में इतनी कमियां निकाली जाती थी कि उसका आत्मविश्वास ही डगमगा गया था। नैना अपनी अलमारी खोलकर अपने मायके की यादों में खोई हुई थी कि जतिन ने आकर पीछे से उसे सौंका दिया। अरे आप आ गए, मैं बस तैयार हो ही रही हूँ, नैना हकलाते हुए बोली हूँ। वह तो मैं देख रहा हूँ लेकिन इतना क्या सोच रही हो? शादी से पहले तो मैं जब भी तुम्हें मिलने के लिए बुलाता था तुम फटाफट तैयार होकर आ जाती थी और मैं बस तुम्हें देखता ही रह जाता था। अरे मेरी जान, मैं तो तुम्हारी सवाइस और खूबसूरती का फैन बन गया था, फिर अब तुम इतना क्यों सोचती हो? तुम सही कुछ भी पहनो, बहुत सुंदर लगती हो। जतिन की बात सुनकर नैना शर्मा गई। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी जो शायद उसके आत्मविश्वास के लौटने की थी। उसने फटाफट अलमारी से एक पेस्टल कलर की साड़ी निकाली और बड़े सलीके से पहन ली। साथ में लाइट ज्वेलरी और खुले बालों में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। जतिन ने जब उसे देखा तो देखता रह गया। जब नैना तैयार होकर बाहर निकली तो रिया को जैसे सदमा सा लग गया। अरे भाभी ये क्या पहन लिया, हमारे घर की बहू इस तरह पार्टी में जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? दीदी मुझे ऐसे तैयार होना ही अच्छा लगता है और आपके भाई को भी मैं हर रूप में सुंदर लगती हूँ। शायद आपको पता नहीं मेरे मायके में मेरी पसंद और टेस्ट सबसे अच्छा था। कोई भी कुछ लाने से पहले मुझसे ज़रूर पूछता था लेकिन पता नहीं आपको मेरी पसंद और मेरे हर काम में कमी क्यों नज़र आती है। भाभी अब पहले की बातें भूल जाओ, ससुराल में ससुराल के हिसाब से रहना पड़ता है। अब बहू में कोई कमी होगी तो क्या हम बोले भी नहीं? रिया खींचती हुई बोली, हाँ दीदी आप ठीक बोल रही हैं, एक समझदार बेटी बहू बनते ही अलड़ हो जाती है, हो सकता है आपके साथ भी यही हो क्योंकि आप अभी सिर्फ इस घर की बेटी हैं। अपनी कमियां जाननी है तो एक बार अपनी शादी होने दो, फिर आपको भी पता चल जाएगा कि आप में
कितनी खूबियां हैं। सच कहूँ तो दीदी, सबकी अपनी अपनी पसंद और हुनर होता है। एक लड़की खुशियों की तलाश में अपने नए जीवन का सफर शुरू करती है, लेकिन ससुराल में जब उसके हर काम में कमी निकाली जाती है तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। रिया के पास आज अपनी भाभी को देने के लिए कोई जवाब नहीं था और ना ही नैना की सास आज बेटी की बातों का समर्थन कर रही थी। लेकिन नैना के दिल पर से एक बड़ा बोझ हट गया था, क्योंकि वह अपनी पसंद से खुश थी, ना कि किसी और की पसंद में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। वो खुशी खुशी अपने पति के साथ